ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, किसी दिन सन्यासी किसी रास्ते से गुजर रहा था और गुजरते वक्त उसने देखा कि एक बिच्छू पानी में गिर गया है और उसे देखकर उस पर तरस आई और उसने सोचा कि पानी से इस बिच्छू को निकालना ही अच्छा है। उन्हें चारों ओर अपनी नजर दौड़ाई लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया जिसके सहारा से उसे निकाल सके। इसलिए उन्होंने तैरते हुए बिच्छू को अपना अंगुली दिया कि वह अंगुली को पकड़कर वह बाहर निकल जाए। लेकिन जैसे उन्होंने अपना अंगुली उसके सामने रखा, वह बिच्छू ने उसे डंक मारा और दूसरी बार फिर उन्होंने कोशिश की, फिर उन्होंने दूसरी बार भी उसे डंक मारा। तो उसे देखकर कुछ बच्चे थे, उनके अपने शिष्य थे, वे देखकर हंसने लगे। वे यह देखकर कहने लगे कि गुरुवर, आपको पता है कि हर बिच्छू वह डंक मारता ही है, वह डंक आपको मारेगा ही, इतना जानते हुए भी आप गुरु होकर बेवकूफी क्यों कर रहे हैं। तो गुरु ने उन्हें जवाब दिया, मेरे प्रिय बच्चों, एक बिच्छू का प्राकृतिक नेचर वही है कि वह लोगों को पकड़ते समय डंक मारना, लेकिन हमारा जो प्राकृतिक स्वभाव होता है वह बचाना होता है। इसलिए यह बिच्छू अपना प्राकृतिक स्वभाव को दिखा रही है और मैं अपना स्वभाव दिखा रहा हूं, इसलिए हम इसे बचाकर ही रहेंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में ऐसे ही कुछ हमारे अपने प्राकृतिक रचनाओं के बारे में प्रभु ईसा मसीह बताते हैं कि हमारी स्वभाव क्या है। प्रभु यीशु ख्रिस्त उदाहरण देकर हमें समझाना चाहते हैं कि कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता है और ना ही बुरा पेड़ अच्छा फल देगा। उसी प्रकार जो मनुष्य के हृदय में, उनके मन में जो भावनाएं भरी हुई है, जो गलत कार्य भरी हुई है, उनके दिल से वही उनके मुंह द्वारा वापस आएगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यह हकीकत है, जो हमारे मन और दिल में भरा हुआ है वही चीज बाहर निकलता है। जैसे मैंने कहा कि यदि हमारा स्वभाव अच्छा है तो हमारा कर्म भी अच्छा ही रहेगा। यदि हमारा कर्म अच्छा है तो हमारा बात व्यवहार, हमारा चाल चलन भी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि हर पेड़ की पहचान उनके फल से होती है। आपने सुना होगा 2-3 महीना पहले कि एक शहादत अली जो कैब ड्राइवर था यूपी में, जो एक लड़की प्रियदर्शनी के द्वारा मारा गया था सबके सामने, और उनका केस क्या हुआ, लोग कैसे उनके बारे में बातें कर रहे थे, आज भी आप अवगत होंगे। लेकिन वह कैब ड्राइवर हमेशा यही कहता रहा कि हमारी मां ने लड़कियों के ऊपर हाथ उठाना कभी नहीं सिखाई, और उन्होंने चुपचाप खड़ा रहा और वह मार सहता रहा, लेकिन कभी उसने उन पर हाथ नहीं उठाया। तो मतलब यही है कि हम यदि अपने जीवन में जो हमारा आचरण रहता है, जो हमारा प्राकृतिक देन है, हम उसी पर अडिग रहते हैं। जब हमें कोई गुस्सा कराता है, यदि कोई हमें थप्पड़ मारता है, तो जब हम अपने आप को प्राकृतिक जो हमारा देन है उसे हम उभर कर किसी को थप्पड़ मारते हैं, तो वही हमारा रियल कैरेक्टर निकल आता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि यदि आप भला मनुष्य हो, यदि आप अच्छा आचरण का मनुष्य हो, तो आप हमेशा अच्छा ही करेंगे, कभी आप दूसरों का बुराई नहीं करेंगे। जैसे एक सन्यासी ने कहा कि बिच्छू का उसका प्राकृतिक स्वभाव यही है कि वह डंक मारे, और हमारा स्वभाव है यही है कि मैं लोगों की सेवा करें, लोगों का सुरक्षा करें, हम उन्हें मदद पहुंचाए। हमारे जीवन में हमेशा झांक कर देखना है, परमेश्वर ने हर मनुष्य को, हमारा प्राकृतिक सौंदर्य ही अच्छा है, इसलिए हमें हमेशा अच्छा ही करना है, ना कि किसी की बुराई। इसलिए आइए आज के सुसमाचार को हम मनन चिंतन करें, गौर करें, क्या हम जो अच्छा बनाए गए हैं, क्या हम उस अच्छाई पर चल रहे हैं, अथवा हम अपना प्राकृतिक सौंदर्य को खोकर हम बुरे राहों में चल रहे हैं।
इन सभी चीजों को हम मनन चिंतन करें और उस राह पर चलने की कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमें उदाहरण देकर समझाना चाहते हैं कि हम सभी अच्छे मनुष्य हैं, भले मनुष्य हैं, इसलिए हम हमेशा भला ही काम करें। हर धर्म का यही कार्य होता है कि हम दूसरों को ठेस ना पहुंचाएं, लेकिन हम धर्म काम करें, अच्छा काम करें, लोगों को सुख सुविधा प्रदान करें, लोगों को हम उत्थान दें, ना कि हम लोगों को गिराएं। तो आइए हम सभी मनुष्य होने के नाते हमेशा अच्छा ही सोचें, हमेशा अच्छे कर्म करें और लोगों को सहायता करें। आइए हम कुछ देर मौन रहें और परमेश्वर से यह अर्जी निवेदन करें।